गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ऋतुराज कुमार, GPIS साइंस टीचर। टुडे हेयर क्लास 5 का ये, ठीक है, क्लास 5 का ये साइंस चैप्टर थ्री लिविंग स्टाइल ऑफ एनिमल। आपको पता है कि लिविंग क्या होता है, ठीक है, लिविंग क्या होता है, जीवित रहन सहन क्रियाकलाप, ठीक है, जो जीवित है वही रह सकते हैं ऐसा नहीं। फिर लिखा हुआ आपका बाबू स्टाइल, आपको स्टाइल पता है ना क्या होता है, दर्शन, ठीक है, उसका पहनावा करावा, ठीक है, स्टाइल उसका जीवन की कैसे चलता है, किसको जीता है। एनिमल्स पता है आपको, जानवर रहते हैं। कहने का मतलब है कि हर जितने भी जीवित लोग हैं सबका रहने का तरीका क्या है, अलग अलग है, ठीक है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, बहुत लोग का होगा, ठीक है, सबका रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, हर लिविंग थिंग्स का सबका स्टाइल तौर तरह क्या होता है, सबका अलग होता है, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें पॉइंट लिखे हैं आपका इंट्रोडक्शन क्लास के लिए, तो इसमें लिखा हुआ फर्स्ट में लिखे हैं डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। कहने का मतलब हो गया कि डिफरेंट मीन्स क्या, अलग अलग अलग। हम फर्स्ट में बात कर रहे हैं आपके एनिमल का, ठीक है, सिर्फ एनिमल के बारे में जानेंगे कि कौन से एनिमल लैंड में रहते हैं, है ना, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लिविंग स्टाइल ऑफ एनिमल, डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, ठीक है, तो अलग अलग तरीके के जो होते हैं जानवर वो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और एयर में रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब देखना है कि सराउंडिंग में चारों ओर, ठीक है, और वातावरण में, ठीक है, चारों ओर, हमारे चारों ओर के वातावरण में जो एनिमल रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनका रहने का तरीका किस तरह से है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे हम, दे आर डिफर इन द हैबिट। डिफर मीन्स क्या होता है, डिफर मीन्स होता है भिन्न, डिफर मीन्स क्या होता है, भिन्न होता है। तो दे डिफर द भिन्न इन हैबिट मीन्स आदत मीन्स सब एनिमल का रहने का जो होता है बहुत ही अलग होता है, बहुत ही भिन्न होता है। आदत मीन्स क्या होता है, हैबिट मीन्स आदत, उसका रहने का तरीका, जिसे आपका भी आदत होगा ज़्यादा सोने का, ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा घूमने का, ठीक है, आपका हर एक के अंदर हैबिट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी फीचर, उसका बॉडी मीन्स स्ट्रक्चर, उसका मीन्स किसका, किस तरह वो अपना शरीर का बनावट किए हैं, ठीक है, पानी में रहने के लिए है वो, जमीन पर रहने के लिए कौन, एनिमल। अब हम देखेंगे तो बॉडी फीचर हो गया आपका, अब आगे इसमें शेप एंड साइज, क्या है आपको शेप एंड साइज, क्या क्या शेप एंड साइज, शेप एंड साइज देखिए कि एनिमल का शेप एंड साइज क्या होता है, उसका आकार, उसका रंग रूप, उसका आकार किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखेंगे ऑल द डियर एक्टिविटीज मीन्स एनिमल है तो एक्टिविटी तो पक्का होगा, जैसे आपके भी एक्टिविटी होंगे, है ना, आप खाते होंगे तो बहुत सारा आपका मीठा सैरो खट्टा, है ना, बहुत सारी एक्टिविटी होता है, डांस होने का, डांस करने का, सॉन्ग सुनने का, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है ऑल देयर एक्टिविटी, क्या समझेंगे आपका, ब्रेथिंग मीन्स सांस लेना, ठीक है, मूविंग मीन्स घूमना फिरना, ठीक है, ठीक है, फीलिंग मीन्स अनुभव, मशहूर अनुभव और मशहूर, है ना, कर सकते हैं, फीलिंग मीन्स भोजन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देख लिए वो क्या क्या करना है, वो एनिमल में इतना चीज होता है बाबू, ठीक है। अब कहोगे अब देखिए फर्स्ट में आ गया है यहाँ पे अमीबा, अमीबा एक क्या है, एक जीवाणु है, क्या है, मैंने बहुत सूक्ष्म जीव है। अमीबा क्या है, एक सूक्ष्म जीव है, क्या है बाबू, सूक्ष्म जीव है। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा इज द स्मॉलेस्ट एनिमल, बहुत ही छोटा एनिमल है वो, अमीबा क्या है बाबू, तो एक छोटा और छोटा ही एनिमल है। तो अमीबा इज स्मॉलेस्ट एनिमल, इट कैन नॉट बी सी एंड नेकेड, फिर कहने का मतलब हो गया इट कैन नॉट बी सी, हम नंगे आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब दही जमता है उसमें लेप्टोबैक्टीरियस नाम का एक क्या होता है, उसमें यहाँ होता है वो क्या, दही को जमाता है, उसी कारण इट कैन नॉट बी सी बाय द नेकेड आई, नंगे आंखों से उसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, एक स्कोप होता है, क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है, उसको देखने के लिए किसको, अमीबा को। तो इट इज द सी दैट हाउ द माइक्रोस्कोप ओनली ओनली फॉर उसको माइक्रोस्कोप से उसको हम सी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ आपको फोर्थ पॉइंट आपका लिखा हुआ है इट द ब्रेथ, है ना, इट द ब्रेथ द
द बॉडी सरफेस। हाँ देखिए अमीबा ब्रेथिंग किस लेता है, सांस किस तरह लेता है, तो उसका जो सरफेस होता है सतह, वो अपना जीवन यापन सतह से करता है, सरफेस से वो अपना ब्रेथिंग करता है, क्या करता है वो सांस लेता है, ब्रेथिंग से वो अपना सांस लेता है। तो इन द ब्रेथिंग का टॉपिक इन द बॉडी इज सरफेस, वो सरफेस से ही है ना सतह से वो अपना क्या अपना जीवन यापन करता है, अपना वो ग्रो करता है, बॉडी को बड़ा करता है छोटा करता है, ठीक है वो जीवित रहता है, किसे तो सरफेस वो सांस लेता है, ठीक है। अब ये देखना है, अब आ गया आपका सेकेंड, सेकेंड में लिखा हुआ अर्थ बाउंड। आपने देखा होगा धान के खेत में अभी सीजन चल रहा है ना, आपके धान के खेत में या घर के आसपास में या खेत के बल में है ना बहुत सारे केंचुआ निकलता है, केंचुआ जब भी निकलता है वो क्या करता है वो मट्टी खाता है, वो मट्टी वो करता है, उसका अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है स्वाइल, स्वाइल ही करता है, स्वाइल ही और छोड़ता है, ठीक है। तो पहले का मतलब हो गया कि अर्थ बाउंड क्या है ना, अर्थ बाउंड जो जमीन के नीचे निकलता है अभी धान के खेत में या आसपास के बरसात का मौसम है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा वो दिखेगा, ठीक है। ये क्या आपका, ये आपका अर्थ बाउंड, इस क्या होता है केचुआ होता है, क्या होता है ये केचुआ होता है, ठीक है। अर्थ बाउंड टू डज नॉट हैव ब्रीथिंग है ना, वो ऑक्सीजन नहीं लेता है ना, डज नॉट हैव टू ब्रीथिंग ऑक्सीजन, इज ब्रीथिंग द थॉट इज द स्किन, ठीक है। वो ऑक्सीजन किससे लेता है, अपने स्किन से लेता है, आई अपनी चमड़ी से लेता है, ठीक है अपने स्किन से लेता है, ये क्या लेता है आपको अपने स्किन से वो सांस लेता है, ठीक है वो अपने स्किन से सांस को लेता है, तो वो आपका अर्थ बाउंड, ठीक है। अब देखना है इसमें बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ था आपका है ना, तो एनिमल द ब्रीथिंग टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड द फूड द सेव द फ्री द इन द एनर्जी, ठीक है। तो एनिमल क्या करते हैं, एनिमल ब्रीथ टू इट ऑक्सीजन है ना, गेट ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्राप्ति करते हैं कौन, तो एनिमल, तो एनिमल द गेट द गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड टू द फूड एंड सेव देयर ऑफ द एयर है ना, एंड दिस द एनर्जी, दिस एनर्जी टू द वेरियस ऑफ द लिविंग एक्टिविटीज, ठीक है। द लैंड एनिमल टू ऑक्सीजन फॉर एयर, ठीक है। जो लैंड एनिमल होते हैं वो जमीन पर तो वो ऑक्सीजन से लेते हैं, मतलब कि धरती पर से लेते हैं, जमीन पर से लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। एंड एनिमल गेट द डिशोल द ऑक्सीजन फॉर द वाटर, सो दे आर द डिफरेंट ऑफ द ऑर्गन ब्रीथिंग, हर एनिमल का अलग अलग सांस लेने का है ना तरीका, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं अपना एनिमल भी लेते हैं, जमीन से भी लेते हैं और पानी से भी लेते हैं, और कितने क्या लेते हैं अपने स्किन से लेते हैं, ठीक है। इसको भी नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट और है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है।